हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आनंद और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के बारे में। लवलीना बोरगोहेन अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली महिला और शिव थापा के बाद देश का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की दूसरी मुक्केबाज है। लवलीना को साल 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और वह असम की ऐसी छठी खिलाड़ी है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार को उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं लवलीना बोरगोहेन के बारे में, उनकी अभी तक की लाइफ जर्नी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक बटन को दबा दे ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। लवलीना बोरगोहेन एक भारतीय महिला मुक्केबाज है जिन्होंने AIBA 2018 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और AIBA 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। लवलीना बोरगोहेन नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक और गुवाहाटी में आयोजित दूसरी इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीत चुकी हैं। लवलीना बोरगोहेन 69 वेल्टरवेट वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर चुकी हैं। 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट जिले में जन्मी लवलीना एक महिला मुक्केबाज है। उनकी फैमिली में उनके माता पिता के अलावा दो बड़ी बहनें हैं। उनके पिता का नाम टिकेन बोरगोहेन है और माता का नाम ममोनी बोरगोहेन है। उनकी बहनों का नाम लीचा और लीमा बोरगोहेन है। लवलीना के दोनों बड़ी बहनें लीचा और लीमा राष्ट्रीय स्तर पर किक बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धाओं में खेल चुकी हैं, लेकिन उससे आगे वह नहीं जा पाई थी। लवलीना बोरगोहेन ने भी अपने करियर की शुरुआत किक बॉक्सर के रूप में ही शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने किक बॉक्सिंग को छोड़ मुक्केबाजी को चुना। लवलीना का स्कूलिंग बारपाथर गर्ल्स हाई स्कूल से हुई है। उनके स्कूल में एक दिन भारतीय खेल प्राधिकरण ने ट्रायल आयोजित किया जिसमें लवलीना बोरगोहेन ने भाग लिया था। उनकी मुक्केबाजी ट्रायल में आए कोच पदुम बोरो को अच्छी लगी और उन्होंने साल 2012 में लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। पदुम बोरो के प्रशिक्षण के बाद उन्हें महिला कोच शिव सिंह ने प्रशिक्षित किया। लवलीना बोरगोहेन सबसे ज्यादा चर्चे में तब आई जब उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम में मुक्केबाजी कैटेगरी के लिए चुना गया था। कॉमनवेल्थ गेम में उनका सिलेक्शन इंडिया ओपन में उनकी अच्छी सफलता के कारण मिली थी, लेकिन उनका यह चयन होना काफी विवादास्पद था क्योंकि लवलीना को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। जब बात मीडिया में आई तब उन्हें पता चला कि उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चुना गया है। इसके बाद वह कॉमनवेल्थ में शामिल हुई, लेकिन लवलीना बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में यूके की सैंडी रयान से हार गई और सैंडी रयान ने फाइनल में पहुंचकर उस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत ली। उसके बाद साल 2018 में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के वेल्टरवेट वर्ग में स्वर्ण पदक और इससे पहले साल 2017 में वियतनाम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। साल 2017 में ही अस्ताना में आयोजित राष्ट्रपति कप में भी वह कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इन सबके अलावा लवलीना बोरगोहेन ने जून 2018 में मंगोलिया के उलान बटार कप में रजत पदक और 2018 में पोलैंड में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय सिलेसियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। उसके बाद साल 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने एशिया और ओशिनिया बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भी 5-0 से जीत हासिल की थी। यह जीत लवलीना ने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज माफू नाखोन मेलीएवा को 69 किलोग्राम में हराकर जीती थी। इस जीत के बाद उन्होंने ओलंपिक बर्थ हासिल की थी और इसके बाद ही वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली खिलाड़ी बन गईं। 2021 टोक्यो ओलंपिक में खेलते हुए लवलीना बोरगोहेन 69 किलो भार वर्ग में जर्मनी की एडीन एपेट को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि लवलीना बोरगोहेन पदक जीते और भारत का नाम रोशन करे। दोस्तों, हमने यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।